फिर है बैटल ऑफ प्लासी, सिराजउद्दौला, राइट, वो रूल कर रहा था तब बेंगलोर, बंगाल में, राइट। उसका जो नेचर था, राइट, वो इम्पल्सिव था, किसी से दोस्ती ना रखना, जिसकी वजह से उसके कुछ ओपोनेंट्स, उसके कुछ विरोधी, उसके खुद के स्टेट में थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कोलकाता, राइट, का जो उनका ट्रेड सेंटर था, उसके आसपास एक फोर्ट्रेस, एक दीवार खड़ी कर दी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, राइट, सिक्योरिटी रीजंस का रीज़न देकर, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब, नवाब की परमिशन लिए बिना। बट नवाब सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला था, उन्होंने वो फोर्ट्रेस को, राइट, डिस्ट्रॉय कर दिया। जब ये न्यूज़ मद्रास पहुंची, एक छोटी सी आर्मी कंपनी की, जिसका लीडर था रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल पहुंची इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर, कोलकाता के ट्रेड सेंटर को हेल्प करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ दिस आर्मी, ये जो आर्मी थी, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी स्ट्रांग थी। उनको पता चला, दे रियलाइज्ड के नवाब की आर्मी को डिफीट करना, हराना, इट वाज नॉट इजी, वो आसान नहीं था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव, उसने ट्रेचरी यानी चीटिंग, राइट, रिसोर्टेड टू ट्रेचरी, एक कॉन्स्पिरेसी, एक जाल बुना गया ताकि नवाब को, राइट, हराया जा सके, जिसमें इन विच नवाब का जो कमांडर इन चीफ था, जो आर्मी संभाल रहा था, मीर जाफर और सेठ अमीरचंद, राइट, अमीचंद, इन दोनों को कोक्स किया गया, इन दोनों को मनाया गया कि इस प्लान में वो शामिल हो, ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट, ऑन द प्रिटेक्स्ट रीज़न दिया गया कि नवाब जो है वो अननेसेसरीली बिना फालतू पीपल, लोगों को हैरेस कर रहे हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एक वॉर लड़ा गया एट अ ग्राउंड, ठीक है, नाम था नियर प्लासी, राइट। प्लान क्या था, मीर जाफर लॉस्ट द मैटर, अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग मीर जाफर, राइट, लॉस्ट द बैटल, वो युद्ध हार गए, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया उसकी चीटिंग की वजह से। रॉबर्ट क्लाइव की ट्रेचरी, राइट, थी कि बैटल ऑफ प्लासी जो था वो एंडेड, वो ख़त्म हो गया इन जस्ट हाफ अ डे, आधे दिन में, कंपनी एज अ रिजल्ट, कंपनी इसकी वजह से फ्री होल्ड मिला, फ्री में 24 परगनास मिले, राइट। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इस तरीके से कंपनी की रूल का एक फाउंडेशन, एक बेस, राइट, इट वॉज लेड, वो रखी गई, एक नींव रखी गई विद द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी ऑफ बैटल इन 1757। मतलब है बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मीर जाफर, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, ठीक है, एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स ट्राई टू एक्सैक्ट प्लेंटी ऑफ एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। नवाब थे बंगाल के, और भी बहुत सारे रीजंस उन्होंने दिए, और उसके अंदर से पैसा, उसके अंदर से वेल्थ निकालने की कोशिश की। ड्यू टू देयर ग्रीड, उनके अंदर लालच थी टू गेन मोर पावर्स, और पावर हासिल करने की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनेज टू डीथ्रोन मीर जाफर। मीर डीथ्रोन करने का मतलब गद्दी से हटा देना, डीथ्रोन मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम, और मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। मीर कासिम जो था प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस, उसके कुछ ज़्यादा ही नाटक थे, देन मिस मीर जाफर एंड दस बिकेम अ थ्रेट, और इसकी वजह से वो कंपनी को एक थ्रेट बना, एक खतरा बन गया,
हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड, इसीलिए मीर कासिम को रिमूव किया गया एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब, और मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। मीर कासिम टुक रेफ्यूज, रेफ्यूज सहारा लेना, मीर कासिम ने सहारा लिया नवाब ऑफ अवध का। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध, राइट, वो भी अवध आए। ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स, सब ने डिसाइड किया कि सब हाथ मिला लेंगे एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली, एक होके कंपनी के साथ लड़ेंगे। एंड दस डिक्लेयर्ड द वॉर, और इसीलिए राइट एक वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। बक्सर जो कि बिहार में है, इन ईस्ट इंडिया का, द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट, वो लड़ी अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी, अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी, यूनाइटेड जो तीन राजाओं की एक राइट आर्मी थी उनके लिए, उनके खिलाफ। डेट थी 22 अक्टूबर 1764, इन बीच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट, यूनाइटेड आर्मी जो थी वो हार गई, राइट। दस द कंपनी को एक दीवानी राइट मिले, यानी रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करना बिहार बंगाल और उड़ीसा में, राइट। इसके बाद है एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल, कैसे कंपनी ने अपने रूल को एक्सपांड किया, बढ़ाया। द ब्रिटिश, द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट, पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 में, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से गवर्नर ऑफ बंगाल, राइट, गवर्नर ऑफ बंगाल जो बंगाल का गवर्नर था उनको, राइट, गवर्नर जनरल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड, जो भी ट्रेड एक्टिविटीज थी बिजनेस के रिलेटेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज, दे वेर ब्रॉट अंडर दिस, अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, ये सारे के सारे इनके डायरेक्ट कंट्रोल में ला दिए गए। तो मुंबई मद्रास गवर्नर, राइट, मुंबई मद्रास दोनों के गवर्नर और उनके काउंसिल, उनके मिनिस्टर्स वेर ब्रॉट अंडर हिम, सब कुछ उसके अंडर में आ गया। दस वॉरन हेस्टिंग्स, इस तरीके से वॉरन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इसके टाइम पीरियड में पहला मराठा वॉर एंड सेकेंड मराठा वॉर विद हैदर अली, राइट, ऑफ मैसूर वॉज वेट, लड़ा गया। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉब्लम बढ़ गई बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर्स, राइट, मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ राइट लड़ना पड़ा। कॉर्नवॉलिस, इसकी वजह से कॉर्नवॉलिस राइट टुक ओवर एज गवर्नर जनरल, उसको वैसा गवर्नर जनरल टेक ओवर किया आफ्टर वॉरन हेस्टिंग्स, वॉरन हेस्टिंग्स के बाद। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवॉलिस, कॉर्नवॉलिस के टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर राइट टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के साथ, फॉर्मर फेमसली नोन एज, इसको फेमसली बोलते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास, कंपनी को मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद दोनों के साथ जॉइन हैंड्स करने पड़े टू डिफीट टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को हराने के लिए। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कम्बाइंड फोर्सेस, टीपू जो था वो कभी भी कम्बाइंड फोर्सेस के साथ जीत नहीं सका एंड टू हैड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी, और इसीलिए एक ट्रीटी, एक रूल राइट उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। आफ्टर कॉर्नवॉलिस, कॉर्नवॉलिस के बाद सर जॉन शोर
became the Governor General. Due to rigid policies यानी rules, rigid यानी जिसको change ना किया जा सके, adopted by him, उसने कुछ rules accept किए थे, the British, the East India Company, fame declined and Marathas became stronger. East India Company का जो fame था, right, वो decline हुआ, वो नीचे आ गया एंड मराठास वो और स्ट्रॉन्ग होते गए. सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली, इसलिए गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर, जो कि जॉन शोर के बाद आए, गॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मिली कि कंपनी इंडिया में सुप्रीम रहे, सबसे ऊपर रहे, राइट. फॉर दिस वेलेस्ली, इसके लिए वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, राइट, को इंट्रोड्यूस किया. कंडीशंस थी, राइट, कुछ शर्तें थी उन स्टेट्स के लिए जो के राइट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट की है. सबसे पहले द आर्मी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन की होगी, वो उनको देनी पड़ेगी, जो स्टेट इसको एक्सेप्ट करे. रिटर्न में स्टेट जो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, एक प्रोविंस, राइट, देना पड़ेगा, कोई एरिया उनके नाम पे देना पड़ेगा, जिससे इनकम इक्वल हो, जितना कंपनी ने खर्चा किया होगा उतना. Without the permission of the company, कंपनी की परमिशन के बिना, राइट, द स्टेट विल नॉट वेक अ वॉर, वो युद्ध नहीं करेगा और साइन ट्रीटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा विद अदर स्टेट्स. देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली, स्टेट के पार्लियामेंट में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव, इंग्लैंड की तरफ से एक आदमी वह रहेगा. अदर फॉरेनर्स, दूसरे किसी देश के लोग, उनको इस स्टेट में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, काम पे नहीं रखा जाएगा, राइट. ये स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया. निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले और होलकर, राइट. दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन, राइट, ये जो सिस्टम है वो स्वीट पॉइजन की तरह था, राइट, मीठा जहर. इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके, फॉलो करके, वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस, वेलेस्ली ने बहुत सारे प्रोविंसेस, बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स किया, उसके ऊपर कब्जा किया, एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को उन्होंने एक्सपांड किया, बढ़ाया. गवर्नर जनरल वेलेस्ली, उन्होंने टीपू सुल्तान को भी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए कहा, विच ही रिफ्यूज, वो उन्होंने मना कर दिया. फॉर डिक्लाइनिंग द अलायंस सिस्टम, राइट, अलायंस सिस्टम को डिक्लाइन करके, उसकी अवमानना करके, उसको नहीं मान के, द कंपनी, राइट, विद द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम द निज़ाम, निज़ाम का सपोर्ट लेकर अटैक मैसूर पे उन्होंने अटैक डाला इन 1799. ड्यूरिंग द फोर्थ मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ. चौथा मैसूर वॉर लड़ते टीपू सुल्तान ने अपनी लाइफ गवा दी while fighting against the British, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते करते, राइट. आफ्टर वेलेस्ली, हेस्टिंग्स फिर से आया इंडिया में गवर्नर जनरल बन के. उसने एक वॉर किया नेपाल पे एंड मेड द गोरखास, नेपाल के लोगों को गुरखास बोला जाता है,
men made the Gurkhas to join the army. Join the army, join Karna ke liye. Hastings, उन्होंने एक battle, right, fought किया with the Pindaras के against, और उनके ऊपर भी उन्होंने control कर दिया. जब तीसरा मराठा वॉर हुआ तो कंपनी की सुप्रीमेसी, कंपनी का सुपावर वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका था.